हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का। इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कराया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में मेरे वीडियो के है ना वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों में मेरे चैनल के बारे में बताएं, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे इस कोविड में बाहर पढ़ने नहीं जा सकते या किसी कारणवश वो फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो वो घर बैठे मैथ को सीख सके और जो मैथ का उनके दिल में डर है उस डर को वो निकाल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सवाल शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें हमें बताना है फाइंड द ज़ीरो एंड रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड कोफिशेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। शून्य ज्ञात करने हैं, साथ ही साथ हमें और ये भी बताना है कि इन शून्य को के गुणांकों का संबंध क्या होगा, उसकी हमें जांच भी करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 8th क्लास से आप ये शून्य निकालना सीख रहे हैं फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमारे पास ये सवाल है, इसको पहचानने का तरीका है दोस्तों, अगर x की पावर 2 है, फिर x है और फिर खाली संख्या है। अगर अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता, अगर मान लो फॉर एग्जांपल y हो तो y का स्क्वायर होगा, फिर संख्या के साथ y होगी और फिर एक खाली नंबर होगा। जब भी इस तरह का होगा तो आपको इसे फैक्टराइजेशन मेथड से पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर x है और 12 है, इसी तरीके से करेंगे। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना है दोस्तों, एक। इस एक की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, लास्ट मतलब यहाँ पर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ए को डिनोट कर रहा है, ये बी को डिनोट करेगा और ये सी को डिनोट करेगा। यानी ए का जो भी कोफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशेंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, सी पे कितना है 12, तो एक से करोगे तो कितना आ गया दोस्तों, एक 12, 12 बंदा 12। फैक्टर करते हैं, 2 के टेबल में 6 टाइम में, 2 छिंग 12, 2 3 दा 6, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये फैक्टर आ गया। यहाँ तक आप कर लेंगे, सबसे पहला काम पहचानना है, फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट की क्या करनी है दोस्तों, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो भी मल्टीप्लाई लेकर आएंगे उसका फैक्टर करेंगे, इस तरह फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर आने के बाद ये जो बीच में संख्या है, कहाँ पर है दोस्तों, बीच में, जिसे हमने बी बोला है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है, वो 7x। इस 7x को आपको इससे क्या करना है, इससे आपको जोड़कर या घटाकर, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके संख्या बनानी। कैसे बनानी दोस्तों, जोड़कर या घटाकर आपको बीच वाली संख्या बनानी है। और साथ ही साथ जो संख्या बनाओगे उसका मल्टीपल कितना आना चाहिए, 12। समझने की कोशिश करना दोस्तों, 2 2 4 और 3 1 3। देखो दोस्तों, 2 2 4 और 3 1 3, 4 और 3 7 बन गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे, भाई 4 और 3 7 ही क्यों बनाया, 5 और 2 भी तो 7 होता है, 6 और 1 भी 7 होता है। लेकिन दोस्तों मैंने साथ ही साथ एक और बताई आपको कि जो संख्या आप बना रहे हैं, जैसे 4 और 3, इनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 12। तो देखो 4 और 3 कितना मल्टीप्लाई आ गया। तो इस तरीके से आपको बताना है, इस बार दोनों प्लस में आंसर आ गया, लेकिन अगर ना आए तो माइनस करके भी हम आंसर लेकर आ सकते हैं। आइए सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर आया आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर, इस 7 को अब मैं किस तरीके लिखूँगा, इस 7 को मैं दोस्तों, ये जो मैंने संख्या बनाई है प्लस 4, तो इसके साथ एक्स लगा देंगे, और एक बनाई है आपका 3, इसके साथ क्या लगा देंगे, 4 और 3 7। बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका आपको इस तरीके से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगली संख्या 12 है, इसे एज इट इज़ उतार लेंगे। तो हमारे पास कितने टर्म थे दोस्तों शुरू में, 3 टर्म थे, 3 पत्ते, उसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड के तहत कितने में कर लिया, 1 2 3 4 टर्म में। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब ये कर लेंगे, इसके बाद इन दोनों में कॉमन और इसी तरह इन दोनों में कॉमन, ठीक है दोस्तों। 10th क्लास है, थोड़ा अपन ने लेवल भी बढ़ाकर चलें, क्योंकि इसी तरह इसमें पढ़ाई होगी। दोनों में क्या दोस्तों कॉमन है, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, तो क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। इसके साथ कुछ नहीं है, आप 0 लेकर चल सकते हैं साथ ही साथ। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, एक्स, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ 2x था, एक बाहर आ चुका है, कितना बचेगा दोस्तों, एक्स बचेगा।
यहाँ क्या है दोस्तों, x पहले था जा चुका है, क्या बचेगा डायरेक्टली प्लस 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में पहले तो यहाँ वाला प्लस वाला साइन, दोनों में एक तो तीन का टेबल कॉमन है, तीन यहाँ भी है और तीन का पाड़ा यहाँ भी चल जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों तीन। ठीक है, x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो तीन पहली कॉमन आ गया, क्या बचा दोस्तों x। तीन के टेबल में 12 कितनी बार में आता, 3 4 द 3 4 12, यानी कितनी बार में दोस्तों 4 टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर कॉमन लेने के बाद आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो आपका सवाल सही चल रहा है, अदरवाइज आप गलती कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे भी एग्ज़ाम में ही आता रहता है। आठवीं क्लास से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ज़ीरो निकालने का, लेकिन ये टेंथ क्लास है, ज़ीरो के साथ साथ आपको आगे भी सॉल्व करना है। और यही नहीं, जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उन सभी एग्ज़ाम में ये बीच में आता है, फाइंड द ज़ीरो, शून्य ज्ञात कीजिए, बस वहाँ पर आपको जल्दी करना होता है। तो दोस्तों क्या बताया मैंने आपको कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम आए तो आपका सवाल सही चल रहा है, अगर दोनों ब्रैकेट गलत आ रहे हैं, आपस में मिसमैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार तो हम सेम वाला ले लेते हैं x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, एक बार क्या करते हैं, ये जो बाहर के दोनों हैं, ये दोनों सेम थे, एक ले लिया हमने, ये जो बाहर के हैं इससे एक ब्रैकेट बना लेंगे x प्लस 3, x ये वाला और प्लस 3 ये वाला, बराबर कितना आ गया दोस्तों 0। क्लियर है। अब क्या हुआ दोस्तों, x प्लस 4 बराबर कितना 0, तो x प्लस का 4 है उधर जाएगा, किसका हो गया दोस्तों माइनस का 4, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे। मैंने आपको अभी कराया बताया कि प्लस वाला होता है उधर जाके माइनस, अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस, क्योंकि लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो माइनस और लेफ्ट वाला राइट में आएगा तो प्लस। ठीक है, यानी अगर जो भी साइन है, और क्या बताया दोस्तों मैंने अभी कि अगर लेफ्ट है, अगर राइट में जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, इधर प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस 3। क्लियर है दोस्तों, यहां तक कर लिया आपने। यहां तक करने के बाद यहां रफ करते हैं थोड़ा ताकि आगे चीज, यहां तक तो आप पिछली क्लासेस में यानी एट्थ में नाइन्थ में यहां सीख चुके हैं, लेकिन ये टेंथ क्लास है, थोड़ा अपर लेवल है, तो यहां पर हमें एक नई चीज करनी है। वो क्या करनी है दोस्तों, जांच करनी है। क्या करनी है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली जांच जो होगी दोस्तों, शून्यकों का योग, इंग्लिश में दोस्तों सम ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पे हो जाएगा दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसी तरह यहां पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। एक ये जो शून्यक है इसे हम क्या बोलते हैं, पहले वाले शून्यक को अल्फा माइनस 4 इस तरीके से बता सकते हैं, और दूसरे वाले शून्यक को बोलते हैं बीटा माइनस 3, यानी इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना एक तरीका होता भी बताऊँगा मैं आपको, पहले इससे कर लेते हैं सॉल्व। सम ऑफ जीरो कितना है दोस्तों माइनस 4 और माइनस 3, तो माइनस 4 बीच में क्या लेना है प्लस, और ब्रैकेट में लगाकर माइनस 3, क्योंकि प्लस है और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। अब x का गुणांक, पिछली क्लास में नाइन्थ क्लास में आपने सीखा होगा x का गुणांक, यार ये रहा x, x के साथ वाला जो होता है उसे ही हम गुणांक बोलते हैं यानी कोफिशिएंट बोलते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है दोस्तों 7, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे एक, एक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, माइनस का 4 माइनस का 3 कितना आ गया दोस्तों माइनस का 7, और ये पहले से ही है आपका क्या है दोस्तों माइनस का 7। क्लियर है। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लैंग्वेज लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, बात वही है दोस्तों, अल्फा पहला शून्य यानी फर्स्ट जीरो, बीटा दूसरा शून्य, दोनों को क्या करना है ऐड करना, वैसे ही करा। बी मैंने आपको भी बताया ना, ये ए बोल, इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं और इसे C।
सी बोलते हैं। तो बी क्या है यहाँ पे, एक्स के साथ वाला प्लस का साथ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस और साथ बटे ए। ए क्या होता है, पहला वाला, पहले वाले के साथ कुछ भी नहीं है। तो बात वही है, अल्फा बीटा उसे ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने एक तो जांच कर ली, साथ ही साथ इसके मल्टीप्लाई की भी जांच करेंगे। क्या लिखते हैं, शून्य को का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अचर पद अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, और यहां पे वही आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात वही है दोस्तों, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, थोड़े टैलेंटेड होते हैं, हिंदी वाले बच्चे थोड़े वीक होते हैं। क्योंकि वीक मतलब मेरे कहने का सेंस वीक नहीं होता, वो बच्चे शुरू से थोड़ा कम पढ़ते हैं, स्कूल में इतनी ज़्यादा अच्छे से उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें हिंदी मीडियम समझकर उन्हें थोड़ा हल्का रख दिया था। हालांकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं करता, आप लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। राजा राम मोहन राय जो हमारे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, आप उनके बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज उस समय, यानी जब हमारे समाज में इतनी ज़्यादा प्रथा चल रही थी, तो उन्होंने कम से कम 8-10 से भी ज़्यादा लैंग्वेज सीख रखे थे। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं करता, बशर्ते कि आप मेहनत करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारा प्रोडक्ट जीरो है, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 3। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बराबर अचर पद, अचर कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, लास्ट वाले वो जो खाली संख्या होती है यानी सी। तो सी कितना है यहाँ पे 12। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के साथ एक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 × 3 = 12। माइनस माइनस मल्टीपल में प्लस, और इधर भी क्या है दोस्तों, ये चेक करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब इसी को अगर हम आगे करें अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो यही हो जाएगा आपका दोस्तों अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन में ए। ठीक है दोस्तों, यानी इसे ही अगर अल्फा बीटा के रूप में करें तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, और इसी में इसी तरह का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और 12 अपॉन में, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो हमारा सवाल सही है। यानी आप पेपर में इस सवाल को आसानी से जज कर सकते हैं कि आपने ये सवाल सही करा या गलत करा है। दोस्तों मेरी बात अगर समझ में आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस बार हमने अभी x के टर्म में करा था, यानी x के चर में था, वेरिएबल में था। इस बार s फॉर शिप, शिप के चर है ना, s के चर में है। ठीक है दोस्तों, तो तरीका वही है, देखो एस स्क्वायर, फिर s, फिर संख्या। मैंने बताया आपको कि भाई पहले एस स्क्वायर आएगा, फिर s, फिर संख्या आएगी, और फिर खाली नंबर आएगा। तो आप समझ जाना इसे हमें किस तरीके से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी इसे किसे डिनोट करेंगे दोस्तों, ए, ये डिनोट किससे होगा बी, और ये खाली संख्या सी, यानी ए की मल्टीप्लाई सी से। और ए का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 की जब एक से करोगे दोस्तों, 4 × 1 = 4, फैक्टर करो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, क्लियर है, मैंने आपको बताया। फिर इनका क्या करते हैं दोस्तों, फिर इन्हें हम जोड़कर या घटाकर बीच वाला लेकर आते हैं। इस बार बीच वाला कितना है -4, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे बनाएंगे -2, और -2 कितना आ गया दोस्तों, भाई अगर आपके पास 2 रुपये उधार है, 2 रुपये आप पे और उधार हो गए, तो कितने उधार, 4 रुपये उधार। वरना सिंपल तरीका, माइनस माइनस जुड़ जाता है, और साइन किसका रहता है दोस्तों, माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें मल्टीप्लाई कितना लेकर आना है, मल्टीप्लाई भी 4 लाना है, तो देखो 2 × 2 = 4, क्लियर है दोस्तों, ये बनाना आ गया आप लोगों को। ये बनाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने दिमाग से आपको बनाना पड़ेगा, जब तक ये नहीं बनाएंगे आपका सवाल आगे नहीं चलेगा। तो बनाने की कोशिश करना दोस्तों, घर पे और सवाल हैं, एक्सरसाइज में 2-3 और सवाल हैं, मैंने अभी सिर्फ पहला कराया है अपनी तरफ से, और एक बुक का कराया है, ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करके सवाल कर सके। तो देखते हैं दोस्तों, 4s², यहाँ पर आ गया आपका 2s -2s, ठीक है दोस्तों, और ये +1 ऐसे ही, क्लियर है, साइड वाला मिटा देते ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। साथ में क्या लेके चलते हैं, 0, इन दो में कॉमन, और फिर इन दो में कॉमन, ये तरीका है।
दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, एक तो दो का टेबल कॉमन है और दोनों में ही एस है, तो एस आ गया। ये आ जाएगा दो, एक दो दूनी चार, एस दो है, कितना एस बचेगा दोस्तों, एक एस माइनस दो एस पहले ही है वो क्या आ चुका है बाहर, तो कुछ नहीं बचेगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे वन। यहाँ पर क्या है आपका, पहले माइनस, यहाँ दो एस, यहाँ एक, दोनों सेम नहीं है, जब अगर सेम नहीं होगा तो कितना कॉमन लेंगे दोस्तों, एक कॉमन लेंगे, ठीक है, तो एक कॉमन आया। पर एक चीज़, यहाँ माइनस है प्लस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस एक। देखो दोस्तों ब्रैकेट हमारा दोनों ही सेम आया, इसका मतलब सवाल हमारा सही चल रहा है, तो दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में हम क्या लेते हैं दोस्तों सेम वाला, इत्तेफाक से अगर हम बाहर वाले लेंगे वो भी क्या हो गया इस बार सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोनों को किसके बराबर रखेंगे दोस्तों, दो एस माइनस वन, यानी दो एस माइनस का वन है दोस्तों, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस वन, यानी एस बराबर आ गया आपका एक बटे दो, इसका भी यही है तो सेम आ जाएगा एस बराबर एक बटे दो, कोई दिक्कत है दोस्तों। इसे करने के बाद डायरेक्टली वही फॉर्मूला, शून्यकों का योग एक्स का गुणांक, अब यहाँ पर एस में नहीं है, सवाल किस में है एस में, तो इसे एस, इसे भी क्या कर लेंगे दोस्तों एस के फॉर्म में कर लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेंगे इसे, कोफिशियंट ऑफ एस और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरो कितना है दोस्तों, एक बटे दो प्लस एक बटे दो, एस का गुणांक, एस के साथ क्या है दोस्तों यहाँ पे माइनस चार है पहले से फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, एस स्क्वायर का गुणांक, एस के साथ क्या है यहाँ पे फोर, मैंने बताया एक लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक अगर के अलावा संख्या है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों एक बटे दो, एक बटे दो जोड़कर कितना हो जाएगा एक होता है वैसे आधा आधा, लेकिन आप एलसीएम लेकर जोड़ोगे इसे, दो दो एक कम दो, एक कम दो, इधर कितना आ गया दोस्तों माइनस माइनस चार बटे चार, तो चार से चार को काटोगे कितना आ गया दोस्तों अगली लाइन में एक, यहाँ पर एक और एक कितना आ गया दो, तो दो से दो को काटोगे एक बटे एक बराबर आया, ठीक है दोस्तों। शून्य का गुणनफल एक बटे दो मल्टीप्लाई एक बटे दो, इधर क्या होगा अचर पद, अचर पद कितना है दोस्तों एक अपोन में एस स्क्वायर का गुणनांक, यानी यहाँ पे एस में है तो इसे भी एक्स है, तो एस कर लेंगे, चार आएगा, कितना आएगा दोस्तों चार, देखो ऊपर की ऊपर से गुणा नीचे की नीचे से, दो दूनी चार, इधर भी कितना है एक बटे चार, तो हमारा आंसर। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, सच्ची बताना अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मैं कोई फीस नहीं ले रहा, बस इस मेहनत के लिए आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब करवा रहा हूं और अपने दोस्तों में शेयर करा रहा हूं। ये करते रहें, थैंक यू सो मच, फिर मिले।